हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरोज के किचन कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा, जिसे दूधी का हलवा भी कहा जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे और उसमें एक छोटा चम्मच घी ले लेंगे। और ये कद्दू है जो कि मैंने कद्दूकस करके ले ली है, यानी कि लौकी बिना बीज के, इसके बीज हटा दिए थे और इसको घस लिया था। और अब इसका पानी सूखने तक हम इसको ऐसे ही लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे चलाते हुए। और अब हम इसमें एक कटोरी दूध दे देंगे। आज हम इसमें मावा देके बना रहे हैं। अगर घर में मावा अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ जहाँ मैंने एक कटोरी दूध दिया है वहाँ पे आप दो कटोरी दूध दे दीजिए, तो आपको मावा नहीं देना पड़ेगा। और मैंने नॉर्मल दूध लिया है, आप डबल क्रीम दूध का यूज़ करेंगे तो हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और ये 2 टेबल स्पून चीनी है और ये थोड़ी सी कुटी हुई हरी इलायची है। और अब हम इसमें ये आधी कटोरी मावा दे देंगे। ये मावा मैंने घर में ही मिल्क पाउडर से इंस्टेंट बनाया है। आप जो मावा आता है बाज़ार में आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मावा और चीनी देने के बाद में हम इसको ऐसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे पकाएंगे। जो चीनी का पानी बन गया है वो फिर से गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए, ये 2 बूंद हरा कलर है जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। ये सिर्फ इसके सुंदर कलर के लिए ये ऑप्शनल है। अगर घर में हो तो आप दीजिए, नहीं तो इसके बिना भी हलवा बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए, हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब हम इसको कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करेंगे। आप भी ये बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।